फ्रेंड्स, आज मैं अभी आपको अपनी तो आपको डिनर की रेसिपी मैंने शेयर कर दी थी, जो ठंडाई है, वेट लॉस ठंडाई। बट मेरी फैमिली में और भी लोग हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा और मेरे सास ससुर सभी, तो उनके लिए हमें प्रॉपर डिनर बनाना होता है। तो जैसे ऑफिस के साथ सब कुछ मैनेज करना इज लिटिल डिफिकल्ट, तो मैं कभी कभी जैसे टाइम नहीं होता तो मैं ये बनाती हूँ। आपको मैं दिखा रही हूँ इसमें क्या होता है। आटा मैंने लिया है और थोड़ा सा अजवाइन डाला है और सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर जो आटा है उसको अच्छे से डो बनाकर अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने सभी को और अब इसका डो बना लेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मैं अभी प्याज के पराठे बना रही हूँ, जो अक्सर मैं तब बनाती हूँ जब बिल्कुल थक जाती हूँ, काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि ऑफिस, बच्चे सभी साथ में संभालने पड़ते हैं, तो कभी कभी टाइम थोड़ा कम रहता है। तो ये मैं घर पे ट्राई करती हूँ। प्लीज़ आप एक बार देखना, आप भी ट्राई करना कभी जब टाइम ना हो बिल्कुल, और जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो जिससे टेस्ट भी आए और पेट भी भर जाए दोनों। तो देखिए अभी मेरी ये रेसिपी मैं कैसे तैयार करती हूँ। मैं आटे में, पहले मैंने आपको क्या बताया, आटे में मैंने अजवाइन डाला है, नमक डाला है, मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ। आप चाहो तो पिंक सॉल्ट, नहीं तो वाइट सॉल्ट यूज कर सकते हो। और इसका अच्छा सा डो बना लेना है। मैंने इसका डो बना कर तैयार कर लिया है। मैं आपको भूल गई थी थोड़ा बताना कि इसमें आपको हल्का सा ऑयल भी डालना है, रिफाइंड ऑयल आप डाल सकते हो या घी डाल सकते हो, बस 1 स्पून। और फिर ये मेरा डो बन के तैयार हो गया है। अब चलिए आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो अनियन ली हूँ और इसे मैं फाइनली चॉप्ड कर लूँगी, उसके बाद फिर अपने आगे के प्रोसेस में चलेंगे। और यहाँ पे मैं अनियन का स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चिली पाउडर डाल रही हूँ मैं, और आज वाइन फिर से मैं थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आटे में भी अजवाइन डाल रखा है, तो थोड़ा सा अजवाइन में डालूंगी। इसके साथ साथ मैं ये अचार का मसाला डाल रही हूँ। ये मैं घुंघरा का अचार यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई भी अचार हो तो उसका मसाला आप डाल सकते हो। ये पराठे में आपको बहुत अच्छा टेस्ट देता है और आपके घर वाले इसे इंजॉय भी करेंगे। हल्का सा मैंने नमक डाला है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बिकॉज आटे में भी थोड़ा सा नमक है और जो अचार हमारे पास होता है उसमें भी नमक होता है। तो ये मैंने एक स्टफिंग तैयार कर रखी है और अब मैं इसका पराठा बनाऊंगी। ये पराठा मेरे घर में सभी को पसंद है, मेरी सासू माँ को, मेरे हस्बैंड को, सभी को पसंद है। और देखिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ, और एक बार आप ज़रूर ट्राई करना घर पे, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और बच्चों को तो खासकर बहुत अच्छा लगता है ये पराठा। इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हो, लेकिन चीज़ मैं नाइट में बहुत कम यूज करती हूँ, इसलिए मैंने अभी चीज़ यूज नहीं किया है। इसमें आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हो या कोई भी चीज़ जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हो। और फिर चलिए अब हम बनाते हैं अपना प्याज स्टफिंग पराठा। अनियन स्टफ पराठा बनाने के लिए मैंने एक लोई ले रखी है, लोई थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है, बिकॉज इसमें भी अनियन को स्टफ करके फिर उसे अच्छे से बेल कर और पराठा बनाना है। तो बड़ा होने पे क्या होता है कि वो अनियन अच्छे से इसके अंदर जाएगा और सही शेप में मैं पराठा बना पाऊँगी और वो टूटेगा भी नहीं। लाइक कभी कभी क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा लेते हो लोई और उसके अंदर अनियन डालते हो तो वो फटने लगता है, फिर वो पराठा सही नहीं बनता है। थोड़ा बड़ा मैंने ले लिया है, अब इसको, इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा किनारे से करके
किनारे से इसको पतला करना है, ठीक है, और बीच में हल्का सा मोटा ही रहने देना है, तभी वो सही से स्टफ्ड हो जाएगा और फिर टूटेगा नहीं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से आप इसको बना लो, ठीक है, और फिर अब इसके अंदर मैं अनियन को डालूँगी। ऐसे बीच में अनियन डालकर फिर अब मैं इसका इसको अच्छे से बांध दूँगी, कटोरी बनाकर फिर इसको बांध देते हैं और फिर इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। कि ऐसे मैंने अपना पराठा बेलकर तैयार कर लिया है, अब इसे चलते हैं सेकने के प्रोसेस में। यहाँ पे दोनों तरफ से सेक चुका हूँ, अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी थोड़ा सा, जैसे नाइट का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ऑयल सही नहीं रहता है बॉडी के लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाऊंगी इसमें, फिर इसे अच्छे से सेक कर फिर सर्व करेंगे। ये देख लीजिए, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल में आपको वही सारे वीडियोस दिखाऊंगी, वही सारे खाने का की रेसिपी दिखाऊंगी जो आप काम करते हुए भी सही से बना सके। क्या होता है, कभी कभी हम थक जाते हैं काम करते करते और नहीं मन करता कुछ बनाने का, तो फिर हम क्या करते हैं, बाहर से खाना मंगा लेते हैं या फिर खुद रेस्टोरेंट में जाकर खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि बार बार रेस्टोरेंट में जाकर खाना सही नहीं होता, और ऐसे बाहर से बार बार खाना मंगाना दोनों चीज़ होती है, पैसे की भी बर्बादी हो जाती है और आपके हेल्थ पे भी गलत असर पड़ सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताती रहूँगी जो एक हाउसवाइफ हो, वर्किंग वूमेन हो, अगर वो थक जाती हैं या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो खाना बनाने का मन नहीं होता, तो वो भी ईजिली वो सारी चीज़ें अपने घर पर बना सकती हैं। तो मैं जितनी भी वीडियोज इस पर शेयर करूँगी उसमें जैसे वीकेंड्स पे मैं कुछ अच्छा खाना या फिर वीकेंड्स पे क्या खा सकते हैं ऐसा करके, और जब हम थोड़ा सा जैसे बहुत डल महसूस होता है, क्योंकि हमेशा सभी को एक जैसा फील नहीं होता ना, तो बहुत डल सा महसूस होता है, तो उस समय हम क्या ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखकर मैं आपको दूँगी रेसिपी कि आप उस टाइम पर भी आपको लगे कि हाँ अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो ऐसा। तो ये देखिए, ये मेरा पराठा बनके तैयार हो गया है, मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है। मैंने आज इसको सॉस के साथ, और ये है मेरा ऑल टाइम फेवरेट नींबू का अचार, और इसे मैंने ऐसे सर्व कर दिया। मैं आपको कोई भी फैंसी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की हूँ और मुझे पता है कि घर पे अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो हमेशा फैंसी तरीके से सजाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं जैसे रखती हूँ, जैसे मैं डेली खाती हूँ, जैसे मैं डेली लोगों को सर्व करती हूँ, मैं आपको वैसे ही वीडियोज़ दिखाऊँगी, कोई फैंसी चीज़ नहीं, पूरी टोटली रियलिटी दिखाऊँगी मैं आपको। चलिए अब मैं इसे सर्व करती हूँ एंड आस्किंग रिव्यू। चलिए आप मेरे साथ चलिए। देखिए मैंने इसे सर्व किया है, अब पतिदेव खाकर बताएंगे कि कैसा बना है। चलिए साथ में और भी बनाकर तैयार करते हैं। मीनवाइल आप देखना ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ एक बार आप ये मेरे स्टाइल से बनाकर देखना और बताना कैसा है। कभी भी जैसे मैं अगर कर सकती हूँ ना, तो मुझे लगता है सभी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इतना मैं बहुत लेजी हूँ, हमेशा जुगाड़ वाला खाना मैं बनाती हूँ, नॉट ऑलवेज बट या कभी कभी, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगी, सही करने की कोशिश करूँगी मैं उसे, और आगे अच्छी वीडियो और सही वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, और आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताऊँगी जो आप
फेस्टिवल्स में बना सकते हैं, जो आप कभी टिफ़िन में कुछ अच्छा देने का मन हो हस्बैंड को तो उस समय बना सकते हैं, और घर में कोई मेहमान आता है तो उस समय बना सकते हैं। मैं हर तरीके की रेसिपीज आपसे शेयर करूँगी। ओके डियर, ओके डियर, बाय, गुड नाइट।